तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की जर्नी हम करने वाले हैं जयपुर से लेके गुड़गांव की, और आज हम ट्रैवल करेंगे गाड़ी में नहीं बल्कि राजस्थान रोडवेज की सुपर लग्जरी वॉल्वो बस में। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ नारायण सिंह सर्कल पे, जो कि जयपुर का एक मेन बस स्टैंड है। और जो यहाँ का जो मेन बस स्टैंड है, जो सबसे जहाँ से बस स्टार्ट होती है, वो है सिंधी कैंप। बट काफ़ी लोग नारायण सिंह सर्कल से बस बोर्ड करते हैं क्योंकि ये शहर से एकदम बीचों बीच है। तो सिंधी कैंप से बस का चलने का टाइम है दोपहर के 2 बजे, और यहाँ नारायण सिंह सर्कल पे आती है 2:15 पे। अभी 2:05 हो चुके हैं, तो मैं बस बाहर जाके एक बार बस चेक कर लेता हूँ और फिर बोर्ड करूँगा। तो यहाँ से सारी बसों की एंट्री होती है नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर। ये फोटो पर ब्रिज है यहाँ का, और ये है यहाँ की टिकट विंडो। आप चाहे तो यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप रिजर्व कर सकते हैं। तो ये आ गई है अपनी दिल्ली वाली बस वाया गुड़गांव, इसका नंबर है 7483। तो पहले ही मैसेज आ रहा है, 2 बजे मुझे मैसेज आया था। तो हम लोगों ने हम लोग चले हैं 2:35 पे नारायण सिंह सर्कल से। डिपार्चर टाइम था 2:15, तो लगभग 20 मिनट लेट। काफ़ी तेज़ आंधी चल रही है, और अभी आप ये देख सकते हो, ये जो है ये वो जगह है जहाँ से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे का बांदीकुई वाला इंटरचेंज यहाँ पे आएगा, इस पेट्रोल पम्प के ऊपर से। अभी बारिश भी शुरू हो गई है हल्की हल्की यहाँ पे आंधी के साथ साथ। अभी हम 3 बजे पार कर रहे हैं वो बांदीकुई वाला कट। तो भाई इस समय 4 बज रहे हैं, और हम दौसा से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे एंट्री ले रहे हैं। ये दौसा का भांडारेज इंटरचेंज है। हमें 1.5 घंटा लग गया है नारायण सिंह सर्कल से चल के और दौसा में एक्सप्रेसवे पे एंट्री लेने तक। ये वाली लेन ब्लॉक कर रखी है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए कि गाड़ी आई है, तो खुलवा रहे हैं लेन को। और यहाँ पे एंटर करते हैं, आपको बोर्ड दिखेगा दिल्ली 240 किलोमीटर है यहाँ से। तो पहला रेस्ट सर्विस एरिया निकल रहा है यहाँ पे, तो ये रुकी नहीं, आई थिंक नेक्स्ट वाले पे रुकेगी। ये वही मैकडॉनल्ड्स है जहाँ पे हमने लास्ट ब्लॉक में हम आए थे। यहाँ बीकानेर वाला भी खुल गया है, आप देख सकते हो। और ये रहा बांदीकुई वाला स्ट्रेच, यहाँ पे एक ऊपर जाने वाली रोड तो बन गई है, रैंप जो जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे ब्रिज का भी काम शुरू हो गया है, थोड़ा सा बन गया है। सो इंटरचेंज जल्दी ही कम्प्लीट होने वाला है। इधर का भी आप रैंप देख सकते हो, वाला भी रैंप बन रहा है। अभी समय 4:15 बज रहे हैं। ये आप देखो राजस्थान की अरावली माउंटेन रेंज। काफी तेज आंधी आती हुई। मैं तो फाइनली रेस्ट एरिया के अंदर बस जा रही है। ये है 125 किलोमीटर मार्क पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया। फाइनली अंदर आ गए हैं। ये बस पूरा पीछे से घूम के आई है, और यहाँ पे आके रुका है बस ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ढाबा है, इसको बस नाम ही पर ढाबा है। यहाँ पे सामने मेन जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट है वहाँ पे रुकी नहीं है, बट पीछे से घूम के आई है। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होते हैं, उनकी इनसे उनका उनसे कुछ कॉन्टैक्ट होता है, तो इनको ये लोग फ्री में खाना खिला देते हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ऐसी जगह पे आना। तो भाई कुछ इस तरह का ढाबा है यहाँ पे, और ये मेन्यू है। मेन्यू में 35 रुपीज़ का समोसा, जो कि आप ले सकते हो। बाकी चाय वाय के रेट यहाँ लिखे हैं, 30 रुपीज़ की चाय है। तो भाई इस ढाबे का नाम है टोल फ्री ढाबा। बाहर तो सिखानी है, बट अंदर जाके टोल फ्री ढाबा मालूम पड़ता है ढाबे का नाम। और यहाँ हमें आने में लगे हैं 2:15 बजे हम चले थे बस स्टैंड से, और यहाँ आए हैं 4:45 पे। यहाँ से आई थिंक 125 किलोमीटर और है, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। मौसम बहुत बढ़िया हो गया, जितनी वहाँ उमस थी, जितनी गर्मी थी यहाँ पे, उतना ही अच्छा मौसम हो गया है। तो भाई यहाँ हम आ गए हैं इंडिया के सबसे बड़े टोल प्लाजा पर, जो कि है हिलालपुर टोल प्लाजा। यहाँ पे अपना एक्सप्रेस वे एंड हो जाता है, और इसके आगे भी 13 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। तो भाई फाइनली दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर एग्जिट कर रहे हैं। 6:50 हो चुके हैं अभी।
जी अभी हम सोना के टोल पे आ गए। यहाँ से करीबन 20 मिनट का रास्ता और बाकी है भाई। तो वो गई हमारी बस, मैं उतर गया हूँ सुभाष चौक पे। तो दोस्तों फाइनली होटल में आ गया हूँ। टोटल मुझे लगे हैं 5 घंटे जयपुर से यहाँ तक पहुँचने में। तो बेसिकली बस अगर 2 बजे सिंधी कैम के बस स्टेशन से चलती है और 5 घंटे के बाद 7 बजे उसने मुझे सुभाष चौक पे छोड़ा है। इसके आगे और जाम मिलेगा लगभग 1.25 घंटा, उसको दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट ISBT पहुँचने में लगेगा। तो टोटल 5 घंटे का सफ़र थोड़ा ज़्यादा लगता है डेरी बॉम्बे एक्सप्रेस वे खुलने के बाद भी, बट जब बांदीकुई वाला जो स्ट्रेच है वो जब खुल जाएगा तो शायद और आधे घंटे का 45 मिनट्स का उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। जहाँ तक कि टिकट की बात है, टोटल मैंने दिए थे 790 रुपीज़, मैंने ऑनलाइन बुक किया था। आप चाहें तो विंडो पे भी जाके भी कर सकते हैं, बट बस आज फुल थी तो अगर विंडो पे जाता तो शायद सीट ना मिलती, तो अच्छा है कि पहले से करवा लें। और यहाँ पे मैंने एक होटल बुक किया है, ये है अराउंड 1500 रुपीज़ पर डे पे। ये मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सो ये है, यहाँ पे एक बढ़िया सा क्लीन सा बेड है और अभी अभी मैंने चाय ऑर्डर करी है। और यहाँ का वॉशरूम देख लेते हैं, ये वॉशरूम है, ये भी काफ़ी क्लीन एंड टाइडी लग रहा है। यहाँ गीजर है, अभी तो गर्मियाँ गीजर की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छा है ओवरऑल। यहाँ पे कबर्ड भी है, टीवी है, डिश टीवी है, टेलीफोन से आप ऑर्डर कर सकते हो, एसी दिया हुआ है। दोस्तों होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगले व्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।